सर्दियों के मौसम में बाजार में ढेरों ताजे हरी भरी के साथ साथ रंग बिरंगी सब्जियां देखने मिलती है। गाजर, मूली, शलजम, मटर, सरसों, बथुआ आदि आदि। गाजर जैसे ही मार्केट में आने लगती है, मेरे घर गाजर के हलवे की डिमांड शुरू हो जाती है, क्योंकि वो बनता भी काफ़ी टेस्टी है। तो चलिए गाजर का हलवा की रेसिपी देखते हैं, मेरे स्टाइल से या मेरे तरीके से। ओम नमो नारायण। दोस्तों, मैंने यहाँ लिए हैं लगभग 3 किलो गाजर। गाजर मिट्टी के नीचे लगते हैं और उसके ऊपर प्लांट आता है, इसी वजह से गाजरों पर काफ़ी मिट्टी चिपकी हुई रहती है। ये दिखती नहीं है, पर इन पर मिट्टी बारीक वाली चिपकी होती है। इन्हें आप पानी में 2 से 3 घंटे भिगो कर रख दें और बाद में इन्हें रगड़ रगड़ कर हाथों से नल के नीचे धो लें। ये अच्छी तरह साफ़ हो जाएंगे। पीलर से इनके ऊपर का छिलका निकाल लेंगे और ऊपर के पार्ट भी इससे इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए, मैंने पूरे गाजर को पील कर लिया है। अब कद्दूकस ग्रेटर की सहायता से इसे हम ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। मैं इसे जिस कढ़ाई में बना रही हूँ उसी में कद्दूकस कर रही हूँ, जिससे बर्तन भी ख़राब नहीं होंगे और ये बाहर गिरेगा भी नहीं। यहाँ मैंने इसे गैस फ्लेम पर रख दिया। ये देखिए, हमारे गाजर कद्दूकस हो गए, मेरी कढ़ाई फुल भर गई है। इसे मैंने अब गैस फ्लेम पर मैंने इसे रख दिया है। हम इसमें डालेंगे लगभग 3 लीटर दूध, जिससे ये गाजर पूरी तरह इनमें डूब जाए। अगर आपके दूध में मलाई अच्छी आती हो तो आप मलाई भी डाल दीजिए। इस प्रोसेस से गाजर दूध और मलाई में अच्छी तरह पककर गल जाएंगे और स्वादिष्ट भी बन जाएंगे। इसमें आपको खोआ या मावा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूध और मलाई डालने के बाद मैं इसे नीचे दबाने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरी कढ़ाई काफ़ी भर गई है, तो मैंने इसमें से थोड़ा सा पार्ट निकाल कर दूसरी कढ़ाई में डाल दिया और शुगर फ्री वाला गाजर का हलवा बना दिया। ये देखिए, मैंने दूसरी कढ़ाई में थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ गाजर और दूध डाल दिया है मैंने। उसे मैं मेरे ससुर जी के लिए बनाऊंगी शुगर फ्री वाला। कढ़ाई में दूध उबलता है तो उबल उबल कर नीचे गिर सकता है, इसीलिए ऊपर थोड़ा सा गैप रखें। चम्मच को हम लगातार चलाएंगे और इसी में रखेंगे, जिससे दूध नीचे गिरेगा नहीं। यह है पाव भाजी। मेरी बेटी का बर्थडे था तो उसी के लिए मैंने पाव भाजी और गाजर का हलवा ये मेन्यू रखा था। शुगर फ्री वाला गाजर मेरा बन गया था, मैंने इसमें शुगर नहीं डाली थी। इसे मैं दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ। हमारे गाजर का भी, जो हमारे लिए बना था, उसका भी दूध सूख गया है। जब दूध पूरी तरह से सूख जाए तो हम इसमें डालेंगे शक्कर आपके स्वादानुसार। मैंने यहाँ 250 ग्राम से 300 ग्राम शुगर डाली है। शक्कर जब मेल्ट होगी गाजर में जाकर, तो ये पानी छोड़ेगी। शक्कर का पानी भी सूखने देंगे हम। इसमें डालेंगे इलायची पाउडर 1 टीस्पून। जब शक्कर का पानी सूख जाए अच्छी तरह से, तो हम इसमें डालेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच घी। ये देखिए, हमारा शुगर का पानी भी सूख गया है। अब हम इसमें घी डालकर इसे अच्छी तरह भून लेंगे। घी डालने के बाद अच्छी तरह भूनने से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। फ्रिज में रखेंगे और इसे 4 से 5 दिन तक यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच खसखस डाली है। खसखस से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसी समय आप इसमें सूखे मेवे या ड्राई फ्रूट्स भी डाल लें। मैं बाद में डाल रही हूँ गार्निशिंग के लिए।
जब भी आपको खाना हो फ्रिज में से निकाल लीजिए और ओवन या गैस पर गरम कर इसे खा लीजिए। तो लीजिए, आपका गाजर का हलवा तैयार है। बनाइए और अपने परिवार को खिलाइए। बाय बाय।